स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं नेदरलैंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ओडीआई मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा वीआरए क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टलविन पे। मैच टाइमिंग दोपहर के 2:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट ओडीआई का मैच खेला गया था 3 अगस्त 2018 को, करीबन 4 साल पहले, जो मैच था नेदरलैंड वर्सेस नेपाल के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी वो न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो यहाँ पे बैटर्स और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। अब ध्यान देना है इस वेन्यू के ऊपर ना, नेदरलैंड्स ने लास्ट 5 साल के अंदर 2 मैच खेले हैं और 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है, वीआरए क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टलविन पे, ठीक है। अब देखो वेस्ट इंडीज यहाँ पे पहली बार खेलेगी इस वेन्यू के ऊपर, नेदरलैंड्स का दोस्तों टूर ही पहली बार कर रही है। अब देखो यहाँ पर इस वेन्यू के ऊपर ना 2018 के अंदर 2 मैच हुए थे नेदरलैंड्स और नेपाल के बीच में, एक तो हुआ था 1 अगस्त को, एक हुआ था 3 अगस्त को, और वो 2 मैचेस के अंदर जो टीम बैट फर्स्ट करी थी वो जीती थी। यहाँ पर औसतन स्कोर यहाँ पे 220 से 280 बनता है। अब देखो लास्ट 2 मैचेस के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, रिसेंटली यहाँ पे लास्ट 2 मैच हुए, मैंने आपको डेट भी बता दी, 1 अगस्त और 3 अगस्त को यहाँ पे नेपाल वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच में मैच हुआ था। उससे पहले फिर अपन बात करते हैं ना, तो 2013 या 2012 के टाइम पे मैचेस हुए थे, लेटेस्ट 2018 के टाइम पे मैचेस हुए थे। तब देखो यहाँ पे पेसर्स ने, तेज गेंदबाजों ने 21 विकेट निकाले थे, पहली पारी में 13 थे, दूसरी पारी के अंदर 8 थे। तो भाई साहब पहली बारी में पेसर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, राइट आर्म पेसर 13 विकेट थे, लेफ्ट आर्म पेसर का 8 विकेट था। स्पिनर्स की बात करता है तो लास्ट 2 मैच के अंदर स्पिनर्स के 17 विकेट थे। ऐसा नहीं दोस्तों स्पिनर्स ने कुछ करा नहीं था, पेसर 21 है, तेज गेंदबाज 21 है, तो पेसर 17 है। पहली पारी में 6 विकेट है स्पिनर्स के, लेकिन दूसरी पारी में स्पिनर्स की अहमियत बढ़ जाती है। एक तो एक एशिया की टीम थी नेपाल, इसलिए भी दोस्तों रीजन कि यहाँ पे स्पिनर्स के विकेट कॉलम के अंदर ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं। दूसरी बार में स्पिनर्स के यहाँ पे 11 विकेट हैं, ऑफ स्पिनर्स का 1, लेग स्पिनर्स का 4, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 7 विकेट है। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था 3 अगस्त 2018 को नेदरलैंड वर्सेस नेपाल का मैच था ओडीआई का, उस मैच में 9 विकेट स्पिनर के थे, 9 विकेट वहाँ पे पेसर के थे। वेदर फोकस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो ये मैच वहाँ पे 10 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 10-11 बजे। तो वहाँ पे देखो हल्का सा क्लाउडी वेदर, ज़्यादा बारिश नहीं हुई चाहिए। एम्स्टलविन नेदरलैंड्स के ऊपर यह मैच है, ठीक है, और दूसरी पारी में थोड़े से शावर्स आ सकते हैं, वरना भाई पहली पारी तो अच्छे से होनी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों किसकी, न्यूज़ की। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना दोस्तों, आपने रिक्वेस्ट करी मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेदरलैंड्स की बात कर दें, ब्रेंडन ग्लोर को स्क्वाड से ड्रॉप पर आ गया है, डैन कॉपर ने रिटायरमेंट ले लिया, बहुत अच्छे प्लेयर थे वो भी, नेदरलैंड्स के 1 डाउन खेला करते थे। वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं तो कैरन पोलार्ड ने रिटायरमेंट ले लिया है, सरी के लिए T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं इस साल, जो विटालिटी इंग्लिश T20 ब्लास्ट होती है ना उसके अंदर। जेसन होल्डर, फैबियन एलन को रेस्ट दिया गया है, और जो अपने केमार रोच ना वो इंजर्ड हो गए हैं, तो वो टेस्ट वाली सीरीज से भी बाहर हो गए, जो आने वाला टूर होगा वेस्ट इंडीज़ का। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2 मैच खेले हैं, नेदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ ने, जी आप सही सुन रहे हो, 1 2011 में खेला था, 1 2007 में खेला था, और दोनों मैच वेस्ट इंडीज़ जीती थी। लाइनअप्स की बात करते हैं तो नेदरलैंड्स की तरफ से स्टेफन मबर्ग लेफ्टी बैटर ओपन करते हैं, नक्सो डोवड़ के साथ राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, विक्रमजीत सिंह लेफ्टी बैटर, लेफ्ट राइटर मीडियम पेस बॉलर है, बेस्ट डिलेडे राइटी बैटर राइटर मीडियम, स्कॉट एडवर्ड्स राइटी बैटर है विकेट कीपर है, पीटर सिल्ला राइटी बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कैप्टनसी कर रहे हैं, लॉगन पिक राइटर मीडियम फास्ट राइटी बैटर है, ऑलराउंडर एक तरीके से, आर्यन दत्त राइटी बैटर ऑफ स्पिनर है, क्लेटन फ्लियॉर्ड राइटी बैटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, फ्रेड क्लासन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, रैन क्लेन लेफ्ट राइट और मीडियम फास्ट गेंदबाज है। प्रमुख गेंदबाज मुझे लग रहे हैं दोस्तों लॉगन बिक रहेंगे, फ्रेड क्लासन रहेंगे, 2 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है, फिर तीसरे पीटर सिल्लार हो सकते हैं, रैन क्लेन हो सकते हैं। चलते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ, शाही होप यहाँ पे वाइस कैप्टनसी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यार T20 के अंदर आपने कैप्टनसी पूरन को दी है, तो आपको ओडीआई के अंदर भी कैप्टनसी यहाँ पे शाही होप को देनी चाहिए थी, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन उन लोगों ने पूरन को कैप्टनसी दे दी, वाइस कैप्टन शाही होप को दे दी। विकेट कीपर वाइस कैप्टन राइटी बैटर शाही होप, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, ब्रेंडन किंग आएंगे इनके साथ, शमार ब्रुक्स 1 डाउन है, निकोलस पूरन 2 डाउन, रॉबन पॉवेल तगड़े प्लेयर है, काइलन मिड्स यहाँ पर, रेमरेश शेफर्ड, अकील हुसैन, अलजारी जोसफ, हेडन वॉल जूनियर, जेडन सिल्स। चलेंगे यहाँ पर अपन किसकी तरफ, जो T20 की ODD के साथ T20 दोस्तों, क्योंकि T20 का माहौल चल रहा है, बार बार T20 मुंह में आ जाता है, तो जब भी यहाँ पर ODD के मैच में, ODD मतलब होता है वन डे डोमेस्टिक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक दिवसीय घरेलू मैच, 50 ओवर के जो मैचेस हुए ना, तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है प्लेयर्स का,
नेदरलैंड्स की बात करते हैं, स्टेफन मुबक का ODD के अंदर 97 मैच खेले, 30 की औसत है, 2673 रन है, तो अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे प्लेयर है। मैक्स ओडवर्ड की बात करते हैं, 25 मैच 30 की औसत है, 599 रन है, ये भी दोस्तों हाई क्वालिटी प्लेयर है, बड़ा नाम कमाया इस बंदे ने, करीबन लास्ट ईयर देख लो आप इनका, लास्ट एक साल बहुत अच्छा गया है। विक्रमजीत सिंह 5 मैच 76 रन है, 15 की औसत है, ODD के अंदर इनका अभी तक हाल ही में खेला इन्होंने ODD, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बेस्ट लेडी की बात करते हैं, 22 मैच 324 रन, 4 विकेट, 16 की औसत है, स्कॉट एडवर्ड्स 26 मैच 26 की औसत है, 543 रन है, पीटर सुलार 136 मैच 893 रन, 124 विकेट है, ये भी बहुत बेहतर प्लेयर है, बहुत सालों से खेल रहे हैं। लॉगवन बेक 90 मैच 112 विकेट है, 827 रन है, ये दोस्तों खेलते हैं विलिंगटन टीम में, जिसके अंदर खेलते हैं जिम विनिशियम, जिस टीम से आता है डेवन कॉनवे, जिस टीम से दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, रचिन रविंद्रा देख लो आप वहाँ पे, टॉम ब्लेंडेन देख लो, तो ये टीम में दोस्तों तगड़े प्लेयर्स आते हैं जो जिससे खेलते हैं ना डोमेस्टिक के अंदर। लॉगवन बेक न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं ये, तो बहुत तगड़ा प्लेयर है। आर्यन दत्त 7 मैच 7 विकेट, 44 रन विद द बैट है। क्लेटन फ्लियॉर्ड 2 मैच 3 विकेट है। फ्रेड क्लासन का ODD के अंदर 30 मैच में 46 विकेट, इंपॉर्टेंट बॉलर है, मेन बॉलर इस टीम का यही है। ब्रायन क्लेन का 10 मैचों में 8 विकेट है, 89 रन विद द बैट है। फिलिपिन बॉस्टन की बात करते हैं, तो 8 मैच में 9 विकेट है। सिराज अहमद यहाँ पे अंडर 19 खेल चुके हैं, 57 रन विद द बैट प्लस 2 विकेट, 5 रन विद द बैट 1 विकेट, 5 रन प्लस 3 विकेट है। बॉयन गौरल है 3 मैच में 29 रन है। मूसा नदीम अहमद का 5 मैच में 65 रन। तेजा का यहाँ पे दोस्तों 1 मैच में 14 रन विकेट है। ऐसे तो आंध्र प्रदेश के हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और टॉनी स्थल का 2 मैच में 17 रन है ODD के अंदर। स्टार्टिंग और फ्रेड क्लासन लॉगन बिग डेथर के अंदर, फ्रेड क्लासन लॉगन बिग, रैन क्लेन, पीटर सिलार भी कभी कभी डेथर में आ जाते हैं। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, जब यहाँ पर शाही होप ODD खेलते हैं, ODD मतलब 50 ओवर के कितने भी मैच खेले ना, सके इंटरनेशनल देख लो चाहे डोमेस्टिक देख लो, दोनों को कंबाइन करके 117 मैच खेले, 49 की औसत है, 4951 रन है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, हाई क्लास हाई इंपैक्ट प्लेयर है। शॉट्स देख लो आप इनके किस तरह से खेलते हैं, एक बोलते हैं ना क्लास की छाप रहती है। शमार बुट्स 46 मैच 1200 रन 30 की औसत है, भी बहुत अच्छे टेक्निकल साउंड बैटर है। निकोलस पुरन 62 मैच 38 की औसत है, 1800 रन है, भी बहुत क्लास प्लेयर है। आते हैं नीचे, रन्स बना के जाते हैं, हार्ड हिटर बैटर है। रोवन पवल 90 मैच 32 की औसत है, 25 रन 29 विकेट हैं, ये भी रिसेंट फॉर्म देख लो आप इनका, बहुत तगड़ा धोया है IPL में। काइल लिमिट्स ने 59 मैच खेले ODD के अंदर, 27 की औसत है, 1100 रन 69 विकेट्स हैं। रोमेरो शेफर्ड 40 मैच 47 विकेट है, 398 रन है। अकेल हुसैन का 48 मैच 67 विकेट है, 288 रन है, अच्छे प्लेयर है। 48 मैच अकेल हुसैन के 67 विकेट, अच्छा फिगर्स है यार ये। अलजारी जोसेफ 57 95 विकेट्स हैं, बहुत अच्छी हार्ड लाइन हिट करते हैं, बाउंस मिलता है इनको। हेडन वॉल जूनियर 58 मैच 55 विकेट्स हैं। जेडन जिल्स का 3 मैच में 4 विकेट, इनके पास भी अच्छी खासी गति है, रॉ बॉलर एकदम टैलेंटेड। निकम्मा बॉनर 67 मैच 2000 रन 34 की औसत है। शर्मोल नोइसी भाई साहब वही अपने T10 के मैचेस होते हैं ना वेस्ट इंडीज़ के अंदर, उसका प्लेयर है। एंडरसन फिलिप का 16 में 27 विकेट है। स्टार्टिंग और कौन डालेगा, डालिंग अलजारी जोसफ जेडन सिल्स अकेल हुसैन, डेथ्रो के अंदर आएंगे अलजारी रोमेरो शेफर्ड जेडन सिल्स। हेडन वॉल्स भी आते हैं कभी कभी, स्पिनर है। अब देखो जब इस स्वेनी के ऊपर मैच में तो क्या हुआ है, कहाँ पे एम्स्टरविल पे विन पे, तो देखो यहाँ पे नेदरलैंड्स की तरफ से स्टेफन मुबक ने 0 करा चेस करते हुए, 29 बैट फर्स्ट, 35 चेस के ऊपर, 22 चेस के ऊपर, 27 चेस के ऊपर है। मैक्स ओडवर्ड विक्रमजीत सिंह नहीं खेले, बेस्ट डैडी का 0 चेस के ऊपर, 30 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है। स्कॉट एडवर्ड्स का 9 चेस के ऊपर, 18 बैट फर्स्ट है। पीटर सिलार 21 रन चेस के ऊपर 2 विकेट है, 5 रन बैट फर्स्ट प्लस 3 विकेट है। फ्रेड क्लासन का 3-3 विकेट है 2 मैचों में। चलते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज यहाँ पे नहीं खेली है, कॉमन कैप्टन आपको देखेंगे शाई होप, निकोलस पुरन। बड़े लीग्स में आप बनाओ शाई होप, पुरन, रोमेरो शेफर्ड ऑलराउंडर है, लॉगवन बिग अलग जाना है, शमार ब्रुक्स, रोवन पॉल, अलजारी जोसफ का आप रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, यहाँ पर दोस्तों कप्तान है शाही होप, वाइस कैप्टन लॉगवन बिग, क्लास प्लेयर्स हो दोस्तों दोनों। शाही होप को तो आप जानते हो बहुत बेहतर प्लेयर है, एक टाइम पर इनकी चर्चा होती थी, मतलब 2019 के टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, जब वर्ल्ड कप हो रहा था उस टाइम में दोस्तों चर्चा होती थी इनको फैब फोर के अंदर रखा जाए, लेकिन लास्ट एक साल में दोस्तों रेपुटेशन थोड़ी सी गिरी, इतनी नहीं स्पेशली T20s की वजह से, टेस्ट में रन्स नहीं बने, वरना दोस्तों ODI में तो रन्स हमेशा बनाते हैं शाही होप, इम्पैक्टफुल प्लेयर है। देखना दोस्तों किस तरह से बैट शॉट्स मारते हैं, क्लास दिखती है, बोल देना छाप दिखती है, शॉट्स मारते हैं तो बैट से जब बॉल निकलती है
जाने जाते हैं शाही उप अपने क्लास के लिए, पूरन दोस्तों जाने जाते हैं अपने बड़े शॉट्स के लिए। ये भी बहुत क्लासी प्लेयर है, आपने आईपीएल में देखा रहेगा इनको किस तरह से अच्छी नॉक्स ली थी इवन लोजिंग कॉस्ट के अंदर सीएसके वाला मैच, जिससे मुझे याद आता है। मैक्स ओवर इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं यहाँ पे सोच रहा था आप बेस्ट खिलाड़ी के बल्ले ना किसी और प्लेयर को भी प्रीफर कर सकते हो, जैसे कि मेरे हिसाब से स्टेफन मबग है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। पर उनको दोस्तों आई थिंक यहाँ पे कहाँ रखा है यार लोगों ने, स्क्वाड में ही नहीं है फिर क्या लफड़ा दोस्तों। स्क्वाड में तो मैंने उनको देखा था स्टेफन मबग को, अगर स्क्वाड में नहीं है तो वैसे आप यहाँ पे बताऊँ कौन ओपन करेगा। बेस्ट खिलाड़ी ओपन कर सकते हैं या फिर दोस्तों एम नदी में तो टी साल ओपन कर सकते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पर। मैंने दोस्तों उनको स्क्वाड के अंदर देखा था जितना मुझे याद आ रहा है, इनकी वेबसाइट के ऊपर फैंटेसी में ऐड नहीं किया। अगर दोस्तों स्क्वाड में नहीं होंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, स्टैट्स जो हमने आपको दिए हैं हर प्लेयर के, ना तो टेंशन फ्री रहना है। आप देखो यहाँ पे बड़ी लीग्स में करना है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की तरफ। निकले सूरन टॉप मोस्ट भी रहेंगे, शाहिब दोस्तों टॉप मोस्ट भी रहेंगे। ये दो प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स जो इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, शाहिब बड़ा और नाम है दोस्तों, पूरन का भी बहुत बड़ा नाम है। चलते हैं यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स की तरफ, ये भी दोस्तों ओपन कर सकते हैं, उन्होंने ओपन करा हुआ है पहले भी, तो देखते हैं स्कॉट एडवर्ड्स के हाई चांसेस ओपन करने के जितना मेरे को दोस्तों लग रहा है। तो देखते हैं लाइनअप्स में आपको बता दूंगा कि टेंशन वाली बात नहीं है। स्कॉट एडवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो, कीपिंग्स के पॉइंट देंगे आपको थोड़े से, प्लस आपको विद द बैट पॉइंट दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है स्कॉट एडवर्ड्स, इस टीम में देखते हैं अपन अदर देन बेस्ट रिलेटेड से भी बहुत बेटर खेलता है स्कॉट एडवर्ड्स। अब देखो मैक्स वुड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रोहन पॉल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। शमार ब्रुक्स के साथ मैं जा रहा हूँ क्योंकि जानते हैं दोस्तों इंपैक्टफुल प्लेयर है शमार ब्रुक्स, और यहाँ पे बेस्ट लेडे बैटर पिक है या रोहन पॉल को आप ले सकते हो। लॉग ऑन भी एक इंपॉर्टेंट, पीटर सिलार दोस्तों एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं। रोमेरो शेफर्ड वेरिएशंस करते हैं स्किल्स, इनके पास क्या लिमिट्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आर्यन दत्त थोड़े रिस्की हैं। चलते हैं अपन बॉलिंग सेक्शन की तरफ। अकील हुसैन इंपॉर्टेंट, फ्रेड क्लासन इंपॉर्टेंट, अलजारी जोसफ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किंग मैन तो के कभी कभी चलते हैं दोस्तों उनका दिन हुआ तो विवियन किंगमा, ये नई गेंद से कंट्रोल करते हैं, ये भी खेल सकते हैं इंस्टेड ऑफ रियान क्लेन, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किंगमा का दोस्तों पे स्टैट्स है 36 मैच ओडीडी के अंदर 43 विकेट्स हैं, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे कह रहा था किंगमा को आप रोटेट कर सकते हो अगर पहली पारी में गेंदबाजी करती है नेदरलैंड्स से, नई गेंद से दोस्तों विकेट्स निकाल सकते हैं। जैडन जेट्स अगर खेलेंगे तो आप ट्राई कर लेना, अलजारी इंपॉर्टेंट है, एडन वाल जिनको दोस्तों रोटेट कर सकते हो आप ग्रैंड लीग्स के अंदर, ठीक है। और तो दोस्तों मुझे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है तो देखते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर क्या होता है, इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। और एक फॉर्मूला दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, अगर नेदरलैंड्स पहले गेंदबाजी करती है तो अब क्या करना, नेदरलैंड्स के एक दो ओवर बॉलर्स जयतुर के लिए लेना, जैसे कि फ्रेड क्लासन हो गए, लॉगवन बिक हो गए, वहाँ पर दोस्तों फिर आप विवियन किंगमा को भी प्रीफर कर सकते हो, थोड़ी रिस्की हो जाएंगे। तो ये जो प्लेयर्स है ना, और आप ट्राई करना वेस्ट इंडीज़ का टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर हैवी टीम बना लो, और उसके बाद आप जो स्पिनर्स रहेंगे दूसरी बारी के अंदर जैसे कि एडन वाल जूनियर हो गए, अकील हुसैन हो गए, इनको दोस्तों आप प्रीफर कर सकते हो। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले गेंदबाजी करती है तो आप वेस्ट इंडीज़ के सारे बॉलर्स लेके बैठ जाना और टॉप ऑर्डर बैटर्स ले लेना वेस्ट इंडीज़ से, शाहिब वगैरह को, ब्रेंडन किंग को, ये सब दोस्तों ईजिली काम कर जाएंगे ऊपर अगर वन साइडेड मैच होता है तो, क्योंकि ऐसे मैच है दोस्तों आप जानते हो वेस्ट इंडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वहीं दोस्तों नेदरलैंड भी अभी टीम बन रही है, डेवलपिंग फेज के अंदर है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अगर वेस्ट इंडीज़ पहले गेंदबाजी करती है सारे बॉलर्स पिक कर लो, टॉप ऑर्डर उनका ले लो वेस्ट इंडीज़ का, और आप नेदरलैंड से ऑलराउंडर्स को पिक कर लो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे जाएंगे, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। देखते रहिए स्टार्ट सूर्य, मिलते रहिए दफा, लव यू गाइस, सी सून, जय हिंद।